चुनाव 2022 में पांचवें चरण का मतदान रविवार को खत्म हो चुका है। अब हर एक पार्टी की नजरें छठवें और सातवें चरण के मतदान पर हैं, जिसके प्रचार में हर किसी ने जोर शोर लगा दिया है। छठवें सातवें चरण के दौरान केंद्रीय महिला कल्याण मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने सपा कांग्रेस के अद्भुत गठबंधन पर बयान देकर माहौल को और भी गर्म कर दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा, ये कैसा गठबंधन है कि सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से, जवाब दे रही हैं प्रियंका वाड्रा। हमने अखिलेश के बारे में सिर्फ इतना कहा कि अहमदाबाद की आतंकी घटना में लिप्त लोग क्यों साइकिल और हाथी की शरण रिपीट साइकिल और हाथ की शरण में आते हैं। अखिलेश बाबू का फोटो उस व्यक्ति के परिजनों के साथ है जिसने अहमदाबाद हमले में कई लोगों की जान ली। कुशीनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक के बाद एक स्मृति ईरानी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लेते हुए स्मृति ईरानी ने साफ कर दिया कि प्रियंका ने उसको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जिसने पाकिस्तान की सेना के सेनापति को गले लगाया और इमरान खान को अपना भाई बताया। अगर गांधी खानदान में हिम्मत है तो मेरी इस बात को झुठला दे। महाराष्ट्र में कांग्रेस एक ऐसे आदमी का संरक्षण कर रही है जिसके साथ दाऊद इब्राहिम के साथ मिले हुए हैं, जिसने 1993 में मुंबई में ब्लास्ट कराया। गांधी परिवार उसी का संरक्षण कर रहा है और इस बात को उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि झुठला सके। सत्ता के लिए सपा कांग्रेस उनसे हाथ मिलाएंगे जो निर्दोष का खून बहाएंगे। ऐसे खूनी हाथ को जनता को त्याग देना चाहिए। कांग्रेस पर वार करती हुई केंद्रीय मंत्री ने कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोदी जी ने जब संसद में कहा कि मंदिर वही बनाएंगे तो उनका ही विरोध किया। कांग्रेस पार्टी की नैया पूरी तरह से डूब रही है और इस डूबती नैया की पतवार ये लोग किसी लड़की को थमा के कहते हैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।